हाँ, सास बहू के तीखे सवालों का आमना सामना होगा आज के ब्लॉग में, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं और मेरी मम्मी क्यों आए हैं ये भी मैं बताऊंगी। जी हाँ, सास बहू के तीखे सवालों का आमना सामना होगा आज के ब्लॉग में, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो देखते हैं, ज्यादा नहीं, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव मेरे में और मम्मी में कौन कौन से। तो सबसे पहले मम्मी बताएंगी कि मेरे में क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मम्मी में क्या है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मिलवाती हूँ अपनी मदर इन लॉ, अपनी मम्मी से। तो मम्मी हाय कर दीजिए सबको, बोल दीजिए हाय। कुंज ऑफिशियल में आप रघु सभी के स्वागत बा। आज खूबी का हमारे बहू में खूबी है, का कमी है सब से सुनिएगा। रघु सभी से कहम, हमारे पोता के नाम है कुंज, उनका चैनल के आगे बढ़ाई, बहुत मेहनत करेली, खाना उना ना खाली सही से तो डांटो सुनेली, लाइक सब्सक्राइब करी, पोता के हमारे चैनल के आगे बढ़ाएं। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन निकालिए, 5 क्वेश्चन, पहले जो निगेटिव है वो बोलिए। देखिए हमारे बहू में कमी का बा, सरियावे ना आवेला, रूम ढंग से ना सरियावेली, किचन ढंग से ना सरियावेली, कोई आवेला तो बात करे लगेली, तो ये सब हमारा खराब लगेला, पैर ना दबावेली, पैर दबावे ना आवेला, कहूँ अथी ना पैर में हमार प्रॉब्लम बा तो पैर ना दबावे आवेला, कोशिश करेली बाकी कार्य ना आवेला, ये कमी बा हमार पुतोह। तो अभी तो 3 हुआ नेगेटिव, और बोलिए। कोई आवेला तो बात करे लगेली, कानिया लेखा ना रहेली, ये सब हमार खराब लगे, जोर जोर से आवाज से चिल्ला चिल्ला के बोलेली, तो ये सब खराब लगेला। अब रउआ सभी के इनकर खूबी बतावत नहीं, घर के हमरा टेंशन ना रहेला, बेटी देखी रहे, बेटी देखा रहेली, पहला क्वेश्चन सुन ली, घर संभाल लेवेली, खाना पानी बना लेवेली, घर के हमरा टेंशन ना रहेला, अपन सबसे मिलजुल के रहेली, ससुर भी आवेलन तो ये ना रहेला कि मम्मी कहूँ आयली तबे हम खाना दी, अपन खाना पानी दे देवेली, अथी करेली, सबसे मिलजुल के रहेली, बेटी देखा रहेली, खाना पीना सही से बना लेवेली, किचन में हमरा ना लगे के पड़ेला। हाँ, भीड़ भाड़ भइल ज्यादा, पर्व तीज भइल, कोई आयल गेल बा तो मदद कर दहिला, ऐसे हम किचन में ना जाइला, अपन सही से कर लेवेली, घर से अच्छा से संभाल लेवेली, देवर ननद तो न खाइन, देवर लोग से अच्छा से रहेली, मिलजुल के रहेली, हमरो साथ अच्छा व्यवहार करेली, कहीं से आवा तो खाना पानी चाय दे देवेली, बेटी देखा रहेली, मम्मी मम्मी करेली, आगे दिन के भगवान मालिक है। अभी हमारे पुतोह के कमी और खूबी बा, रघु सभी के जे कहे के बा कमेंट्स में कर दी, ज्यादा से ज्यादा लाइक करम, आई बात पर विचार करम। ये था तीखे सवाल जो कि निगेटिव मेरे प्रति मम्मी बोली है, पॉजिटिव भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यो एगो बात रघु सभी ध्यान देम कि सास पुतोह वाला हमनी के रिश्ता ना रहेला, अथी ना रहेला कि हमर है तोर है, कोई के आदमी कपड़ा पहन लेला, कोई के अथी कर लेला, इना रहेला कि सास के है तो पुतोह ना पहनी, या पुतोह के है तो सास ना पहनी, ये सब एगो हमनी के अथी है। आज के डेट में बहुत अच्छा हमर बहु बाड़ी, ऐसा दुगो आओ आ जाए तो इना रहेला कि पुतोह दूसरा ठैया से आयल बिया त आए, हम एक से ये चीज लुकाएं, वो चीज लुकाएं, यो अपन मायके जाली तो ताला चाबी लगा के ना जाली, हम भी ना जेना, सब हमार खुला रहेला, सब अथी रहे, कोनो चाबी रहल, कहूँ ताला रहल, कोनो काम लगल तो जाके ये भी निकाल लेवेली, हम भी निकाल लीला, तो ये सब हमनी के ना रहला, जौन शादी ना भय रहे, आ सोचत रही तो बहुत हमरा अथी रहे, हेडक रहे, बीपी के शिकायत हमरा बाकी शहर के लड़की आई, पढ़ल लिखल आई, कैसन आई कैसन ना आई, आ लेकिन शादी जब आ गईली तो हमरा सब टेंशन दूर हो गई, सब सही बड़ी, ज्यादा मत सोचम जा हम सास पुतोह ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, दुनिया जाए भाड़ में, अगर है तो उसके अंदर बुराई भी है, कोई भगवान उसे सर्वगुण संपन्न बनाया तो ऐसा नहीं रहता, हर कमी रहता है, मेरे में भी मम्मी को कमी नजर आता है।
अब आई मेरी बारी, तो देखते हैं मम्मी सो के बाद मुझे क्या करने वाली है जब मैं निगेटिव निकालूंगी। तो पहला है मम्मी का कि अगर कोई कुछ बोल दे तो निगेटिव में जाएगा। निगेटिव है कि कोई कुछ अगर बोल दे मम्मी को तो वो ना उसको 10 बार बोलेंगी तब भूल जाती हैं, उस बात को 10 बार बोलेंगी फिर भूल जाएंगी। ये निगेटिव मम्मी में है। दूसरा है कि मेरे में गलत आदत है कि जोर से बोलते हैं, जब बार बार एक ही बात बोल देती हूँ मम्मी वो हमको बुरा लगता है, तो वो चीज़ है मम्मी में निगेटिव। और निगेटिव है जैसे कि और सबको तो नहीं कहती हैं लेकिन बीच वाले देवर जी को कुछ ज़्यादा ही डांट लगा देती हैं, ये निगेटिव। और ये चार हो गया। और पांचवा है कि कोई भी आए तो ये नहीं कि सुबह का टाइम है तो जल्दी से नहा ले, फ्रेश हो ले, खा ले, फिर बैठ के अपना दिन भर बात करे। नहीं, आदमी को पकड़ पकड़ के सुबह में बात करेंगी और उसके चक्कर में ये 2-2.5 बजा देती हैं खाना खाने में। और पैर में प्रॉब्लम है, बीपी का शिकायत है तो बढ़ते जाता है। और जो भी कहते हैं कि आदमी अगर निरोग है तो उसको समय पे करना चाहिए और ये करती नहीं, तो ये सब इनका नेगेटिव थॉट नेगेटिव पॉइंट्स। मैं आपको 5 बताई मम्मी का, सो के बाद हमको मुक्का लगे कोई बात नहीं। अब पॉजिटिव बताते हैं। कहते हैं कि औरत का सबसे अगर प्यारा कुछ हो तो वो होता है पति के बाद गहना होता है। और मेरी मम्मी जो है वो अपना सारा गहना मुझे दे देती है, डाका मत डालिएगा आप लोग, पहनने को भी दे देती है, रखने के लिए भी दे देती है। एक विश्वास है कि चलो नहीं है लेकिन विश्वास है उनको हम मुझ पे, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इनका विश्वास जीती हूँ तो आज मैं यहाँ पे हूँ। और इनका है अपने लिए कुछ नहीं लेती हैं, अगर कुछ मार्केट में देखेंगे भी तो मेरे लिए बोलेंगे राखी के लिए ले लेते हैं। अरे अपनी भी तो लाइफ है, अपने लिए भी तो जीजिए, तो ये नहीं लेती हैं। ये मुझे खराब लगता है कि इनको अपने लिए भी सोचना चाहिए। और तीसरा है कि मेरा रूम मम्मी सरिया देती हैं। और हम लोगों में ऐसा कभी नहीं है कि चलो मेरी सासू माँ है तो मैं ताला अपना गोदरेज में बंद करूँगी, और या मम्मी बहू आई है किस कहीं दूसरे घर से आई है तो ताला लॉक कर देते हैं, इधर नहीं छूने देंगे उधर नहीं छूने देंगे, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कंफर्टेबल लगा मुझे, ज़्यादा सर्वाइव लगता है। बहुत लोग बोलता है कि ससुराल में बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, तो टचवुड मुझे ये सब का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, 2 भाई की तरह देवर हैं और सासू माँ तो मेरी सासू माँ है, और मेरे फादर इन लॉ तो बहुत अच्छे हैं। अगर जाती हैं मार्केट तो कहेंगे मेरे पापा जी ये रखिया के लिए ले ले, ये ले ले, तो मम्मी आके बताएंगी। अभी हाल ही में बता दे कि मार्केट गई थी, तो मार्केट में मुझे नाइटी नहीं पसंद है, दोबारा तिबारा गई, पैर में प्रॉब्लम है फिर भी गई, बताइए। और मैं मेरे में है कि मैं इनका पैर नहीं दबाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हाँ दबा हूँ लेकिन बच्चे में लगे रह जाती हूँ। और खाने के लिए मम्मी मुझे टोकती हैं बार बार, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं केयर करती हैं कि समय से तुम भी खा लो, काम धंधा कर लो, आराम कर लो, रात में सोने नहीं देते। सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता है जैसे कि मैं सब कुछ ले लेती हूँ, खा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन दूध में पता नहीं मेरे अंदर क्या है, जब तक मम्मी नहीं देती हैं तब तक हम नहीं लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक माँ को छोड़ के आए, दूसरी माँ इतनी केयर करती है, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ही मुझे दूध हॉर्लिक्स में मिला के या चीनी डाल के या कुछ भी डाल के मम्मी ही देती हैं। और प्रेगनेंसी, अगर आप लोग मेरा प्रेगनेंसी ब्लॉग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि मेरी मदर इन लॉ कितना मेरा 9 महीना तक ख्याल रखी, मेरे साथ सोई, सारा वहां पे मैं बता चुकी हूँ अपने मदर इन लॉ के बारे में, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बॉन्डिंग जैसे अभी हम दोनों का है और हमारे में फैमिली में जो भी है तो वो लोग भी अच्छे से रहे, तो सो के बाद पता नहीं मम्मी मुझे क्या ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बहुत अच्छी है। तो मम्मी सो को क्या यही पे इंड करते हैं। रावा सब भी इतना तासरा लगाए को मत पुतो तेल लगाई हां आजकल की लड़की तेल नहीं लगाती, आती नत करा, मगर जो बेटा के बियाह कर ले लो हम तब तो मरम बुझिए ले को हम
अगर जो ना कैले हो कम तो आसरा मत रखम तो तेल लगो यहाँ देख लो। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, सासुओं का नोक झोंक, तीखे सवालों का आमना सामना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप, फिर से मैं बोल रही हूँ, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नए होंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए।